नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैवेल्स इंडिया कंपनी के बारे में। क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं और हम लोग इसके जो है प्रॉफिट की बात करें तो वाई ओ वाई बेसिस पे जो है 64% की गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे इस कंपनी के डिटेल फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे रहे, रिजल्ट शॉर्ट टर्म के लिए एज वेल एज पिछले 4-5 सालों का डेटा भी हम लोग इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। एज अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी के फंडामेंटल चेक करेंगे, लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने कैसा रिटर्न दिया है, करंट वैल्यूएशन कैसे है कंपनी में वो चेक करेंगे, और फाइनली हम लोग थर्ड जो फेज है उसमें इस स्टॉक में जो चेक करेंगे कि कैसा रहेगा इस टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग एक डिसे चेक करेंगे कौन सी लेवल बेस्ट होगी स्टॉक में अगर हमें फ्रेश एंट्री करनी है तो, एज वेल एज अगर हमें एग्जिट करनी है तो कहाँ कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस स्टॉक की जानकारी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमेशा हमारे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग आ गए इस कंपनी के लेटेस्ट जो है रिजल्ट पे। यहाँ पे सारी फिगर जो है करोड़ में है। ये जो अगर कॉलम की बात करें क्वार्टर वन के नतीजे है, ये अगर कॉलम की बात करें तो पिछले क्वार्टर के नतीजे है, और इस कॉलम की बात करें तो क्वार्टर वन के लास्ट ईयर के नतीजे है। अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम हमें दोनों जगह क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेस पे जो है घटते हुए देखने को मिल रहा है। तो कितना घटा है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 32% की गिरावट हमें देखी गई है क्वार्टर बेसिस पे, और हम लोग वाई ओ वाई बेस पे कंपेयर करें तो 45% की जो है गिरावट हमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे जो है हम क्वार्टरली एज वेल एज वाई ओ वाई बेस पे गिरावट देख रहे हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम लोग पॉइंट की बात करें तो किस वजह से ये घटा है तो सीधे सीधे हम लोग जो है ए पॉइंट देखें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट कंज्यूम्ड, तो सीधा सीधा इसका जो रेवेन्यू घटा है उसका परिणाम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ है, जिसके वजह से हम लोग जो है यहाँ पे दोनों जगह जो है गिरावट देख सकते हैं एक्सपेंस पे। अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हम लोग देख सकते हैं कितना हुआ इस क्वार्टर में, 63 करोड़ हुआ। अगर हम लोग पिछले जो है क्वार्टरली ईयरली बेस पे कंपेयर करते हो अराउंड 64% की एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है बहुत ज़्यादा गिरावट हम लोग इस स्टॉक में यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं। अगर हम लोग इस कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएस भी दोनों जगह क्वार्टरली ईयरली बेस पे घटा है। एज दोस्तों ये कंसोलिडेटेड जो है रिजल्ट है, तो ये जो कंपनी है हैवेल्स इंडिया के साथ साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड, लॉयड कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर जो इसकी जो है पार्टनर कंपनीज है तो उनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट हमें यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इस कंपनी में एज वेल एज ग्रूम कंपनी में हम जो है इस जो है क्वार्टर में ईयरली एज वेल एज अगर क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी किसी जो है पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन की जो है मोहताज नहीं है, क्योंकि हम जो इस कंपनी के प्रोडक्ट है घर घर में जो है यूज़ करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइटिंग के प्रोडक्ट जो है हम लोग डेली यूज़ में इस कंपनी के यूज़ करते हैं। अगर हम लोग इस कंपनी की सब्सिडियरी की बात करें तो ये कंपनी खुद में तो एक बढ़िया एज वेल एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक कैब जो है क्रैपट्री इंडिया लॉयड मोर डेफिनेटली इसमें से किसी भी कंपनी के आप नाम सुने होंगे, तो ये सारी जो है इस कंपनी की जो है सब्सिडरीज है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगर हम लोग पिछले 10 साल का भी रिटर्न देखें तो 10 साल में भी इसने जो है अराउंड 14 टाइम्स रिटर्न दिया है, तो एक अच्छा रिटर्न ये कंपनी देती आ रही है। एज वेल एज हम लोग इसके लॉन्ग टर्म ग्राफ को देखें तो हम लोग देख सकते हैं अच्छा खासा जो अपमूव स्टॉक ने बरकरार रखा है, तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। 1948 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, अराउंड 6000 जो है एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करते हैं, तो एक अच्छी कंपनी है ओवरऑल हम लोग अगर देखा जाए तो। अगर हम लोग कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो यहाँ पे हम लोग जो देख सकते हैं 37,000 करोड़ की जो है मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है ये। पी चल रहा है 58 पे, इंडस्ट्री प्रेस है स्लाइटली हायर वैल्यूएशन पे चल रहा है, प्राइस टू बुक है 8.67। अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 1 पे। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके शॉर्ट टर्म के साथ साथ इसका जो है लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस जरूर देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे एनुअल परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2016 से 2020 तक का डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम था इसका 2016 में अराउंड 7,700 करोड़। अगर हम लोग इस जो है साल की बात करें तो वो था 9,550 करोड़। तो इतना ज़्यादा जो है ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन
इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितना ज़्यादा ग्रोथ इस स्टॉक ने जो है, इस कंपनी ने जो है 2000 से 2015 में जो है, सॉरी 2010 से 2015 के बीच में जितना ज़्यादा ग्रोथ दिखा है, अभी उतना जो है हम लोग एक कंसोलिडेटेड जोन में इसके जो है टोटल इनकम को बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कितना था मार्च 2016 में? अराउंड 1300 करोड़। अभी कितना है? 735 करोड़। अल्दो कोरोना की वजह से ये स्टॉक नीचे गिर गया, इसका जो नेट प्रॉफिट नीचे गिर गया, लेकिन अगर हम लोग पिछले ईयर की देखें तो यहाँ पे भी कितना है? 785 करोड़। तो हम लोग देख सकते हैं एक बहुत ही जो है कॉन्सेंट्रेटेड जोन में इसका जो है नेट प्रॉफिट चल रहा है। तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक को कैसी ग्रोथ हो सकती है, मैनेजमेंट आगे क्या डिसीजन लेगी, क्या नए प्रोडक्ट्स लेके आएगी अच्छे जिसकी वजह से इसका जो है नेट जो है इनकम बढ़ सकता है, वो अभी देखने वाली बात होगी। अगर हम लोग करंट इस कंपनी के प्राइस की बात करें तो 596 यानी कि अराउंड 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास जो है मेजोरिटी हिस्सा है अराउंड 59 यानी कि 60% का, और जो पब्लिक के पास है अराउंड 40.48, और इनके जो जो शेयर्स हेल्ड बाय द एम्प्लॉय ट्रस्ट जो है इन्होंने 0.01 का जो है हिस्सेदारी लेके रखी है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर कोई गिरवी शेयर है कि नहीं वो देखें तो कोई शेयर इस कंपनी का गिरवी नहीं है। चलिए दोस्तों करते हैं इस कंपनी का एक चार्ट एनालिसिस। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जुलाई 2018 से ये कंपनी जो है एक जो है डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक लोअर हाई कंपनी बना रही, पहला हाई यहाँ पे बनाया था, उसके बाद और नीचे दूसरा हाई बनाया, और तीसरा नीचे हाई बनाया, और चौथा नीचे हाई बनाया, और पाँचवा नीचे हाई बनाया। तो हम लोग एक देख सकते हैं कंपनी जो है लोअर हाई बनाती जा रही है। और लोग जो है इसका जो लोअर देखे, मार्केट गिरा था तब तो अराउंड जो है 450 रुपये के आसपास इस स्टॉक ने जो है लो लगाया था। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं एक जो है 430 रुपये के आसपास एक लो देख सकते हैं। इसके बाद इस स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। अभी जो है स्टॉक है पिछले एक महीने से थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 615 के लेवल के आसपास ये स्टॉक जो है इसको तोड़ नहीं पा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो तीन बार स्टॉक ने टेस्ट किया है यहाँ पे। अगर हम लोग इस कंपनी के करंट प्राइस की बात करें तो अराउंड 600 पे चल रहा है। अगर तो इसका जो रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 614 पे, दूसरा है 650 पे, और तीसरा है 705 पे। अगर हम लोग इस कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो 523 पे एक बहुत ही स्ट्रांग जो है सपोर्ट इस स्टॉक का है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक नीचे आने के बाद इससे जो है पहले ही स्टॉक ने जो है यहाँ पे सपोर्ट इसका टेस्ट जो है नहीं किया था, लेकिन इसके ऊपर स्टॉक आ गया था। यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा जोन देख सकते हैं सपोर्ट का, एज वेल एज दूसरा जो इसका सपोर्ट है वो है 460 के आसपास, और तीसरा है 431 के आसपास। दोस्तों अगर हम लोग इसके मूविंग एवरेज की बात करें तो ये जो येल्लो लाइन आप देख रहे हो वो जो है इसका 50 का मूविंग एवरेज है। तो 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है, दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट। अगर हम लोग इसका दूसरा इंपॉर्टेंट जो है देखे सपोर्ट लेवल, तो दूसरा है इसका जो रेड लाइन देख रहे हो वो है 100 का मूविंग एवरेज। तो 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये भी इसके लिए अच्छी बात है। और अगर हम लोग इसके तीसरे ये मूविंग एवरेज की बात करें ब्लैक लाइन, तो ये चल रही है 605 पे। तो 605 जो है इसका 200 मूविंग एवरेज है। तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कंपनी अगर सपोर्ट कर देती है अच्छा खासा, उसके ऊपर टिक जाती है, तो फिर हम लोग इस कंपनी में जो है बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी आने वाले कुछ सेशन में प्रोबेबली हो सकता है ये स्टॉक गिर सकता है इसके खराब नतीजों के कारण, दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। अगर हम लोग दूसरे रीज़न की बात करें तो मार्केट जैसे गिर रहा है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि चाइना में जो है और केसेस बढ़ रहे हैं, यूएस में केसेस उनकी बढ़ती जा रही है, लेकिन चाइना में जो है सेकेंड वेव देखी गई है। एज वेल एज अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी अभी केसेस जो है धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जो है सेकेंड वेव का आगाज़ हो सकता है। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो ये स्टॉक और ज़्यादा जो है नीचे जा सकता है। तो जो अभी हमने जो है इसके सपोर्ट डिस्कस किए तो उनको जो है बहुत ही क्लोजली आप ट्रैक कीजिए, दैट्स द थिंग। दोस्तों अगर हम लोग इसके जो है ये बोलिंजर बैंड की बात करें तो ये जो है इसके बीच के लाइन को सपोर्ट इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे तोड़ा था, लेकिन इसके बीच की लाइन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो उसको भी आप जो है डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कीजिए। नाउ दोस्तों कमिंग टू द एंट्री लेवल, दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट लेवल के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, एंट्री मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी के वैल्यूएशन में अभी के प्राइस से और नीचे जा सकता है, पॉसिबल है चांसेस। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है एंट्री कर सकते हो अराउंड जो है 5050 के नीचे, आप जो है एक सेफर जोन में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग कंसोलिडेशन जोन बना था जिसके नीचे स्टॉक नहीं टूटा था और उसके ऊपर उसके बाद उस स्टॉक ने जो है मूवमेंट दिखाई थी। तो डेफिनेटली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान में रखिए, उसके बाद ही ये स्टॉक में एंट्री कीजिए, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। और आप जो है खुद का एनालिसिस ज़रूर कीजिए इस स्टॉक में निवेश करने से पहले, और उसके बाद ही जो है आप निवेश कीजिए।
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, द इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।